चिलचिलाती धूप 44 डिग्री पारा, न पंखे की हवा न कूलर का सहारा, लाखों का बिल बकाया फिर भी रोड पर जाम लगाया, कुछ ऐसा ही था काशीराम आवास योजना का नजारा। फिरोजाबाद के थाना नारखी में लगने वाले काशीराम कॉलोनी के बिजली के बिल काफी समय से बकाया थे, जिस पर कल शाम 3 बजे करीब बिजली विभाग द्वारा पूरी कॉलोनी की बिजली को काट दिया गया। इस पर सैकड़ों की संख्या में वहां रहने वाले लोग, महिलाएं, छोटे बच्चे बिजली न आने के कारण गर्मी के चलते परेशान होने लगे। जैसे तैसे कॉलोनी के लोगों ने कल का समय बिना बिजली के काटा, लेकिन आज बढ़ती बिजली की समस्या और अपनी मांगों को लेकर काशीराम कॉलोनी के लोग सड़कों पर उतर आए और जलेसर रोड मार्ग को जाम कर दिया। जाम की खबर सुनते ही पुलिस प्रशासन, एसडीओ, एसडीएम, एक्सीएन अधिकारी आदि मौके पर पहुंच गए और लोगों को बड़ी जद्दोजहद के बाद समझा बुझाकर जाम खुलवाया। और ये 31 का महीना है, अब आप हमें बताइए 2 दिन इसमें लगे। हम इसलिए लगाया था कि अगर कोई बिजली का बिल जमा कर रहा है तो उसकी लाइट ना काटते हुए उसकी तरफ फोकस किया जाए कि जिसकी तरफ बकाया है। अगर लाइट सबकी काटी जाएगी तो इस तरीके की बात सामने आएगी। कुछ लोग ऐसे थे कि जो टाइम टू टाइम बिल भरने की कोशिश करते हैं, इन्होंने विद्युत विभाग वालों ने सबकी लाइट काट दी और लाइनमैन अपनी मर्जी से ऐसा है कि वो लाइट के तार हटा देता है। तो अधिकारियों द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? अधिकारियों द्वारा जो हमें आश्वासन दिया गया है वो अभी लाइट लगाने के लिए कहा गया है, और दूसरा 29 तारीख को और 10 और 11 तारीख को कैंप लगाने के लिए हमसे कहा है कि हम कैंप लगाएंगे, जो हमसे संभव होगा हम उनका सहयोग करेंगे। कॉरपोरेशन द्वारा 10 हाई लॉस फीडर, इस पर अत्यधिक चोरी, उस पर एक अभियान चलाया जा रहा है। ये जाखई फीडर पर काशीराम कॉलोनी आती है, इसमें लगभग 550 आवास बने हुए हैं। 550 आवासों में से जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लगभग 350 लोगों पर 1 लाख रुपये से ऊपर का बकायेदार है। पूर्व में भी यहाँ पर कई बार कैंप लगाए जा चुके हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 लोगों के अलावा कोई पैसा जमा नहीं करता है। पूरे फीडर का आधा लोड लगभग इस कॉलोनी में चोरी के माध्यम से जा रहा है, तो इसी के दरमियान कार्रवाई करते हुए कल जब यहाँ लोगों ने पैसा नहीं जमा कराया तो सप्लाई विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कराई गई थी। इसको लेकर आज लोगों ने जाम प्रदर्शन किया है, तो आज एसडीएम साहब ने भी साथ में आ गए और इन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि 29-30 तारीख को यहाँ कैंप लगाया जाएगा। कैंप में कम से कम 70-75% लोग जमा करेंगे, अगर इतने लोग जमा नहीं करते हैं तो पुनः फिर विद्युत सप्लाई जो विच्छेदन है वो कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की जाएगी। देखिए, अभी आपको एक्सएन साहब ने बताया कि ये पचवान की जो कांशीराम कॉलोनी है, इनके जो इसमें जो आदिवासी लोग हैं, इसमें जो रहते हैं, उन्होंने जाम लगा दिया था। मुझे सूचना मिली, मैं आया, मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने रास्ते का जाम हटा लिया, और हटाने के बाद में यहाँ पर विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, एक्सएन साहब हैं, एसडीओ साहब हैं और पुलिस विभाग के सब थाना नारखी के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, और उनके द्वारा सब हम लोग बैठ के बात हुई है, वार्ता हुई है इन लोगों से। बहुत ज़्यादा बकाया है विद्युत का, बहुत ज़्यादा बकाया है इस वजह से, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है और ये परेशान हैं, गरीब लोग हैं। तो एक्सचेंज साहब ने अपने ऊपर अधिकारियों से बात किया है और ये कहा है कि 29 और 30 तारीख को तय किया सब लोगों ने मिल करके, इसी महीने में मई में कैंप लगाया जाएगा और ये पैसा जमा करेंगे। यदि उसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे तो ओके है, और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो कानून अपना काम करेगा। यही बात हुई है। धन्यवाद।